ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ मोर देन वन प्लेट्स आर देयर, मतलब एक से ज्यादा अगर प्लेट्स हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जो कैपेसिटर पढ़ा तो केवल दो प्लेट्स होते थे, मान लो जैसे ऐसे दो प्लेट है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दो ही प्लेट है केवल, ठीक है, यहां से बैटरी लगा दिया तो इसका कैपेसिटेंस सिंपल एक ही कैपेसिटेंस बन रहा है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेट रख दिया है तो कैसे भी रख सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसा मत कि हॉरिजॉन्टल देख के डर गए, वर्टिकल पढ़ा तो वर्टिकल पढ़ा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स थे उनके बीच का गैप डी था एंड इट्स एरिया इज व्हाट ए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं कहीं पर डायलेक्ट्रिक नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ प्लेट्स पढ़ा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे तीन प्लेट्स हैं, ठीक है, और बैटरी यहां पे लगाया लाइक दिस, ये हमारा टर्मिनल ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब तीन तीन प्लेट्स हैं, सो तीन प्लेट्स अगर होते हैं तो कितने कैपेसिटर बना देंगे, दो प्लेट्स मिलकर एक कैपेसिटर बनाएगा, ये दोनों भी मिलकर एक कैपेसिटर बना देगा, तो एक कैपेसिटर ऊपर हो गया दूसरा नीचे हो गया, मतलब टू कैपेसिटर्स आर देयर, क्लियर। यहां पे जब तीन, जब दो प्लेट्स थे, दो प्लेट्स है तो एक ही कैपेसिटर फॉर्म हो, केवल एक कैपेसिटर, यहां पे दो मतलब तीन प्लेट्स हैं तो दो कॉम्बिनेशन बन गया, एक इन दोनों के बीच में कैपेसिटर बन जाएगा, कहीं डायलेक्ट्रिक नहीं है, बस प्लेट्स हैं केवल, मतलब यहां पे भी एयर है यहां पे भी एयर, लेकिन मैंने प्लेट्स रखा हुआ है, तो अ कैपेसिटर इज फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट एंड देन अनदर कैपेसिटर इज फॉर्म बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, मतलब यहां पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं। तो सी वन, अब जरा देखो ये दोनों हैं किसमें, सीरीज में या पैरेलल में, ये जो दोनों कैपेसिटर बनेंगे सीरीज में या पैरेलल हमको देखना होगा। पहला जो कैपेसिटर है, चलो मैं पहला सी वन बना दे रहा हूं, सी वन का फर्स्ट प्लेट बैक ए पे जा रहा है, यहां पे ए है, दूसरा प्लेट पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका दूसरा प्लेट किस पे जा रहा है, सेकंड वाले पे जा रहा है, और सेकंड वाला फिर बी पे गया हुआ है, क्लियर। ये हमारे ए बी जो टर्मिनल, मतलब समझो ए बी के बीच बैटरी, में बैटरी नहीं शो किया यहां पे, तो ए और बी है। पहला फर्स्ट कैपेसिटर देखो, फर्स्ट का जो फर्स्ट प्लेट है, ये जो सी वन कैपेसिटर उसका फर्स्ट प्लेट ए पे है, सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर पे गया। अब जो सेकंड वाला कैपेसिटर है उसका एक प्लेट फर्स्ट पे कनेक्ट हो रहा है, दूसरा बी पे जा रहा है, तो इस कैपेसिटर का एक प्लेट फर्स्ट पे है दूसरा बी पे है, तो ये दोनों किसमें, ये दोनों जो कनेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज व्हाट, दीस टू आर इन सीरीज, तो सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा सी बाई टू। सो ये तीन प्लेट्स दो कैपेसिटर बना रहे हैं एंड दो दीस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। चलो मैं नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ा रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करता हूं, नाउ इन दिस केस इफ सपोज ऐसे पांच प्लेट्स मैंने रख दिया और यहां पे पॉइंट ए है, मतलब यहां पे पॉइंट बी है और इधर पॉइंट ए है, क्लियर। यहां पे मैंने वन टू थ्री फोर फाइव प्लेट्स लिए हैं, फाइव प्लेट्स का कनेक्शन ए और बी ऐसे है, मतलब ए बी जो मैंने पॉइंट मेंशन किया यहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे हम बाद में, तो फाइव प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनाएंगे, पहला यहां पे बनाएगा सी वन, यहां पे बनाएगा सी टू, यहां पे बनाएगा सी थ्री, यहां पे बनाएगा सी फोर, सो हाउ मेनी थ्रू फाइव प्लेट्स हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। अब अपने को देखना है कि ये दोनों इनका कनेक्शन कैसा है, सीरीज और पैरेलल। फर्स्ट कैपेसिटर को देखो, पहले मैं पॉइंट ए बना दिया, यहां पे पॉइंट बी बना दिया, पहला वाला जो कैपेसिटर फर्स्ट वो किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से, तो बी से इसको कनेक्ट करो, फिर वो किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, मतलब देखो जो फर्स्ट कैपेसिटर था उसका एक साइड बी पे जा रहा है दूसरा साइड ए पे गया है, मतलब फर्स्ट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड ए। सेकंड वाले के बारे में सोचो, सेकंड वाला ए से स्टार्ट ले रहा है, तो ए से स्टार्ट करो सेकंड को, फिर वो किस पे गया, बी पे नहीं गया, यही जो कैपेसिटर है ये ए से स्टार्ट तो लिया लेकिन बी पे नहीं जा रहा है, वो सी थ्री पे जा रहा है, मतलब इससे सी थ्री कनेक्टेड है, और फिर सी थ्री किस पे चले गया है, बी पे, सी थ्री का देखो सेकंड प्लेट बी पे गया हुआ है, तो सी टू एंड सी थ्री आर इन सीरीज। फोर्थ वाला जो लास्ट कैपेसिटर है, लास्ट कैपेसिटर स्टार्ट कहां से कर रहा है, बी से, स्टार्टिंग में वो बी से कनेक्टेड है, तो बी से स्टार्ट करो सी फोर, और फिर वो एंड कहां पे हो रहा है, ए पे। तो ये हमारा सर्किट है, अब देख लो कनेक्शन कैसे हैं, ये सारे आइडेंटिकल हैं, मैंने नेमिंग किया हुआ है सी वन सी टू सी थ्री फोर, बट ऑल द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो जब दो सी सी सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाई टू, मतलब इसका सर्किट कैसा आएगा, एक सी है नीचे दो सी सी है और एक और सी है, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, तो ये सी यहां पे दो सी सी है, सी
ये हमारे पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दो दोनों सीरीज में है, तो अगर दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी बाय टू, मतलब सी सी बाय टू और सी आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बाय टू प्लस सी कितना हो जाएगा, फाइव सी बाय टू, या फाइव बाय टू सी की जगह पुट कर दो इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ऐसे कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स दे सकते हैं, हमको पहले देखना होगा कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म एंड देन हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, वेदर दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। अब यहां पे और मैं प्लेट्स रख रहा हूं, अभी तो फाइव प्लेट्स रखा, मतलब फाइव से भी ज्यादा हो, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अगर मान लो फाइव से ज्यादा प्लेट्स हैं, हमारा फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन प्लेट्स मैंने रख दिया, कनेक्शन इसका ऐसा है, ए यहाँ ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से, हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, रैंडम कनेक्शन मैंने दिखाया हुआ है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सो फर्स्ट डिसाइड हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म, एक तो यहां पे बनेगा C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, सेवन प्लेट्स हैं, तो हर दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर बनेगा, तो टोटल सिक्स कैपेसिटर्स आर फॉर्म। अब इनका कनेक्शन देखो, कनेक्शन देखने के लिए पहले दोनों पॉइंट बनाओ, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी, मैंने दोनों पॉइंट बना दिया। अब देखते हैं C1 के बारे में, C1 हमारा स्टार्ट कहां से कर रहा है, बी से, C1 स्टार्टिंग में बी से कनेक्टेड है, तो बी से स्टार्ट करो उसको C1, फिर वो एंड हो गया ए पे, बिकॉज C1 का सेकंड प्लेट ए पे जा रहा है, तो इसको ए पे ले जाओ, this is what the connection of C1. C2 के बारे में सोचो, C2 start कहां से कर रहा है, A से, starting में वो A से connected है, तो A से connect करो, this is what C2. फिर आगे वो जा रहा है third पे, मतलब C2 third capacitor से connect हो रहा है, तो उसको third से connect करो, फिर ये fourth से connect हो रहा है, तो उसको fourth से connect करो, अब उसके बाद ये वाला जा रहा है B पे, तो ये end हुआ B पे, तो इसको B से connect कर दिया। C5, C5 जो फिफ्थ कैपेसिटर है, फिफ्थ कैपेसिटर इज स्टार्टेड फ्रॉम B, B से वो स्टार्ट ले रहा है, उसका पहला प्लेट ही B पे है, तो चलो B से स्टार्ट करके C5 बना है, देन इट इज कनेक्टेड विद C6, 6 वाले कैपेसिटर से, और फिर ये 6 वाला किस पे चले गया, A पे, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब सारे आइडेंटिकल हैं, तो सारे सब C C ही हैं, तो ऊपर C है, ये हमारा 3 है, ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो इक्वल कैपेसिटर हैं, सी सी सी, ये तीनों सी सी हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाय थ्री, ये दो इक्वल हैं, तो सी बाय टू, मतलब ये हमारा सी आएगा, ये सी, ये हमारा अकेला सी है, ये कितना आएगा सी बाय थ्री, और ये कितना आएगा सी बाय टू, तो ये तुम्हारा सी है, ये कितना आ जाएगा सी बाय थ्री, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, ये कितना आएगा सी बाय टू, तो सी सी बाय थ्री एंड सी बाय टू ऑल आर इन पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी बाय थ्री प्लस सी बाय टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो सी प्लस यहां पे एलसीएम ले लो सिक्स, हाँ तो सी प्लस सी बाय थ्री प्लस सी बाय टू, ये यहां से ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, सी प्लस सी बाय टू, थ्री सी बाय टू प्लस सी बाय थ्री, एलसीएम ले लो सिक्स, तो कितना हो जाएगा, टू थ्री सा नाइन सी प्लस टू सी, तो कितना हो जाएगा इलेवन सी बाय सिक्स, दिस इज व्हाट द कैपेसिटर, एंड इन प्लेस ऑफ सी व्हाट यू कैन पुट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो C equivalent is 11 by 6 epsilon not A by D, because all the यहाँ पे जितने भी capacitors लिया है मैंने सब identical लिया, naming मैंने किया है C1, C2, C3, C4, okay, fifth question, मान लो अपने पास अगर एक ऐसे तीन plates हैं, चार हैं suppose करो, ये यहाँ पे connect हो रहा है और यहाँ पे ऐसे point A है और point B, तो अब देखो कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक तो C1 ये वाला नहीं बनेगा, बिकॉज इसके दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो कोई भी कैपेसिटर के अगर दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, ऐसा कैपेसिटर नहीं होना चाहिए जिसके दोनों प्लेट्स एक ही एंड पे जाने चाहिए, तो ये नहीं बनेगा यहाँ पे, और ये वाला बनेगा सी टू, मतलब यहाँ पे है तो तीन प्लेट, चार प्लेट्स थे लेकिन कैपेसिटर दो ही बन पाए, बिकॉज बीच वाले जो दो प्लेट्स थे ना ये ऐसे थे कि इनके दोनों प्लेट्स, मतलब इस सेकंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल पे जा रहे थे, तो ये शॉर्टेड हो गया, तो ये वाला कैपेसिटर नहीं बनता, ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बनता जो ऐसे जुड़ा हुआ हो, इस टाइप से कैपेसिटर नहीं बनता, बीच में गैप होना चाहिए, तो जो सेकंड और थर्ड ये वाला इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कैपेसिटर फॉर्म नहीं हो रहा है, केवल दो ही बन रहा है सी वन और सी टू, इनका कनेक्शन देख लो, पॉइंट ए बना दिया, पॉइंट बी बना दो,
अब देखो फर्स्ट वाला कैपेसिटर ए से स्टार्ट ले रहा है, तो ए से स्टार्ट करो सी वन, एंड कहां पे हो रहा है बी पे, तो इसको बी पे एंड करो। जो सेकंड वाला कैपेसिटर बना उसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है, उसका पहला ही प्लेट बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से स्टार्ट करो, दिस इज व्हाट सी टू, और एंड कहां हो रहा है ए पे। अब ये दोनों किसमें है, सी सी आर इन पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट का हो जाएगा सी प्लस सी, सो विच इज टू सी। सिक्स क्वेश्चन, अब वहां पे ऐसे मैं फिर से प्लेट दे रहा हूं, ये दोनों को मैंने कनेक्ट किया और ये को कनेक्ट किया, ये हमारा ए है ये बी है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, तो फिर से देख लो दो दो प्लेट्स में, यहाँ पे सी वन बना दो, यहाँ पे सी टू बना दो, यहाँ पे सी थ्री और सी फोर, मैंने चार कैपेसिटर्स बना दिए। कनेक्शन देख लो, कनेक्शन के लिए क्या करो, ए बनाओ बी बनाओ, पहला वाला सी वन ए से स्टार्ट ले रहा है तो ए से स्टार्ट करो सी वन, खत्म कहां पे आ रहा है बी पे, बिकॉज उसका प्लेट बी पे चलेगा। सी टू बी से स्टार्ट ले रहा है तो बी से स्टार्ट करो उसको, फिर वो ए पे नहीं जा रहा है C3 पे जा रहा है, तो C3 से कनेक्ट करो, फिर C3 वापस लौट के B पे चले गया। अब देखो यहां पे हुआ क्या, इन दो ये दोनों शॉर्ट हो गए, बिकॉज ये दोनों कैपेसिटर्स के पैरेलल में एक वायर है ना, तो मैंने बताया था कि जब कोई भी कैपेसिटर के पैरेलल में एक वायर हो जाता है, इसका मतलब एक लूप बना दिया, वो शॉर्ट हो गया, तो ये दोनों ही कैपेसिटर चले जाएंगे, मतलब ये दोनों ही फॉर्म नहीं होंगे, ये वाला गया। अब सी फोर देख लो, सी फोर स्टार्ट कहां से ले रहा है, बी से, और खत्म ए पे हो रहा है, तो बी से स्टार्ट करो सी फोर को और ए पे खत्म करो, तो यही जो C2 C3 है ना ये उड़ेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कोई भी कैपेसिटर के प्लेट्स अगर घूम के वापस उसी एंड पे चले जा रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर जुड़ के एक कैपेसिटर बनाएंगे, और उस कैपेसिटर का पहला प्लेट भी B है, दूसरा प्लेट भी B है, तो ऐसे कैपेसिटर जिसके दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं वो शॉर्ट हो जाता, तो ये दोनों नहीं रह गए, तो बचा क्या C1 और C4, और ये दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट C प्लस C व्हिच इज 2C। तो ये ध्यान देना कि कौन सा कैपेसिटर लूप बना रहा है, अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स एक ही एंड पे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब वो कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं करेगा या उसका उस सर्किट में कैपेसिटेंस नहीं आएगा। क्लियर, ये हमारा एग्जांपल नंबर सिक्स था, एक दो और एग्जांपल निकाल देता हूं मैं। ये हमारे सारे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, इसके बाद हम लोग स्फेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या होगा गब्बर सिंह, मैं आज कर दूंगा शाम तक, ठीक है। हमारा सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, फिर से मैं यहां पे नंबर ऑफ प्लेट्स ले रहा हूं, ऐसे यहाँ पे कनेक्शन ए है और इधर कनेक्शन, ये हमारा ए है और ये बी है। अब यहाँ पे देखो कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं एंड हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो पहला तो सी वन बन गया, सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स, सिक्स कैपेसिटर्स आर फॉर्म, देयर आर सेवन प्लेट्स, सेवन प्लेट्स में सिक्स कैपेसिटर्स बन रहे हैं। अब कनेक्शन देख लो सर्किट डायग्राम में कैसा, पहला हमारा सी वन, सी वन स्टार्ट कहां से कर रहा है, बी से, तो मैंने क्या बोला ए बनाओ बी बनाओ, सी वन स्टार्टिंग पॉइंट बी से है, यहाँ से सी वन कनेक्ट है, then it is connected with C2, तो C2 को कनेक्ट करो, then it is, जो C2 है वो सेकंड प्लेट में कहां पे जा रहा है, A पे जा रहा है, ठीक है, C1 C2 की कहानी खत्म, C3 पे आओ, C3 स्टार्ट A से ले रहा है, तो A से स्टार्ट करो उसको, C3, फिर वो C4 से कनेक्टेड है, that is C4, then it is connected with C5, C5 and that C5 is connected with B, जो नहीं C4 ही था, C4 चला गया था B पे, C4 का जो सेकंड प्लेट है वो B पे चला गया है, तो C3 is connected with C4 and C4 is connected with B, तो B से मैंने कनेक्ट कर दिया। C5 देखो, C5 start B से ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा C5, then is connected with C6, और फिर 6 वाला A पे चले गया, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। तो ये दो और ये दो सब सीरीज में हैं, सॉरी पैरेलल में हैं, तो इनका कितना हो जाएगा C by 2, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या हो गया C by 2, C by 2, C by 2, C by 2, तो C equivalent is what? C by 2 plus C by 2 plus C by 2, which is 3C by 2. और C की जगह पुट कर दो, तो 3 by 2 C is what? Epsilon not A by D. Clear? Next, देखो. हाँ, क्या हुआ? पिसाई लाल? यहाँ पे देखो, अभी मैं और ज़्यादा प्लेट्स दे रहा हूँ. इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया है, ये हमारा ए है, दिस इज व्हाट बी, सो अगेन डिसाइड हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म,
कितने प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे। यहाँ पे आपने कहा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो सात कैपेसिटर्स बन गए। अब कनेक्शन के लिए पहले A बनाओ, यहाँ पे मैंने B बना दिया। फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट स्टार्ट कहां से ले रहा है, B से, तो B से स्टार्ट करो C1, देन इट इज कनेक्टेड विद C2, C2 से कनेक्ट कर दो, C2 चलेगा A पे। फिर अब यहाँ पे देखो सेम सर्किट तो नहीं हो गया, ये यहाँ पे 6 ही बने थे, चलो ठीक। यहाँ पे हमारा C3, C3 हमारा स्टार्ट कहां से ले रहा है, A से, तो A से उसको स्टार्ट करो C3, देन इट इज कनेक्टेड विद C4 और C4 चले गया है B पे। C5 स्टार्ट ही B से ले रहा है, ये हमारा C5, देन इट इज कनेक्टेड विद C6, देन इट इज कनेक्टेड विद C7 एंड दैट C7 इज कनेक्टेड विद A। तो फिर से यहाँ पे C by 2 और ये C by 3 ऑल आर आइडेंटिकल, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर C by 2 होगा, नीचे क्या होगा C by 2 और यहाँ पे C by 3, तो क्या हो जाएगा C plus C by 3, तो C इक्विवेलेंट इज 4C by 3 विच इज 4 by 3, C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A by D। एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, फिर एक पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर स्फेरिकल कैपेसिटर करेंगे, हमारा 8th ना 9th क्वेश्चन है। सिंगल, अरे तुम आदमी है, कोई कपड़ा पहनता है, घड़ी पहनता है, मोबाइल लेता है ना, तो अगर वो कपड़ा नहीं पहनेगा तो भी उसको कोई मार के भगाएगा क्या, उसकी कैपेसिटी चेंज करना होता है ना, हमको बढ़ाना घटाना होता है, क्लियर। जैसे तुम खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो दाल चावल खा सकते हो ना, उसमें सब्जी रोटी सबकी जरूरत क्या है, सलाद चाहिए, सब्जी चाहिए, सबकी जरूरत क्या है, तो दाल चावल खा लो या केवल चावल खा लो। तो कैपेसिटी बढ़ाने घटाने के लिए हम नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज करते हैं, एक ही कैपेसिटर नहीं यूज करते इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं एक लास्ट एग्जांपल शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेट्स ले लिए हैं, ये ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से और ये ऐसे, ये हमारा ए है और ये बी है, तब देख लो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, स्टार्ट करो, पहले ए पॉइंट बना दो, इधर बी बना दो, ए से पहले जो पहला प्लेट C1 है कैपेसिटर, वो ए से स्टार्ट ले रहा है, तो यहां से स्टार्ट करो C1, फिर वो जा रहा है बी पे, ये चले गया बी पे, देखो उसका सेकंड प्लेट बी पे कनेक्टेड है, C2 वाला बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे बी से स्टार्ट करो C2, देन इट इज कनेक्टेड विद C3, then that C3 is connected with C4, that C4 is connected with C5, और C5 वापस B पे चले गया, देखो ना ये हमारा जो C5 वापस B पे चले गया, मतलब ये चारों शॉर्ट हो गए, ये जो चारों कैपेसिटर मिलके बनाए ये कैपेसिटर, वो घूम फिर के वापस B पे जा रहे हैं, मतलब ये शॉर्टेड हो गए, तो इन चारों का कोई मतलब नहीं है। फिर C6 के बारे में देखो, C6 स्टार्ट कहां से कर रहा है, B से, तो यहां से C6, then it is connected with C7 and that 7 is connected with A, तो ये चारों तो शॉर्ट हो गए, मतलब ये मर गए सब, बचेगा क्या केवल ये ऊपर का और नीचे का, मतलब सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऊपर एक है और नीचे दो हैं, ये C, ये हमारा A है और ये क्या है B, A भी वो पॉइंट्स हैं जहां पे हम बैटरी कनेक्ट करने वाले, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर का C प्लस नीचे क्या होगा C by 2, सो दैट इज 3C by 2, या C इक्विवेलेंट इज 3 by 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। क्लियर, हाँ, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सीरीज में घट जाता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने घटाने के लिए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज्ड। सीरीज में उसका चार्ज सेम रहता है, लेकिन कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाता है।